जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज का आप लोगों के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने पेट की चर्बी कैसे कम करें। जो लड़के या लड़की रनिंग करते हैं दोस्तों, तो उनको पेट की शिकायत नहीं रहती, लेकिन जो रनिंग नहीं करते वो पेट की उनकी बहुत ही ज़्यादा शिकायत रहती है। पेट की चर्बी से बहुत ही परेशान रहते, सोचते हैं मैं अपना पेट कैसे कम करूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप आसानी से घर पर होम वर्कआउट कर करके अपनी पेट की चर्बी कैसे कम करें। दोस्तों, आपको सबसे पहले सुबह अपने जब सो के उठना है तो आपको थोड़ा गर्म गुनगुना पानी पी लेना है। हो सके तो गुनगुना पानी पी लीजिए या फिर नींबू पानी पी लीजिए। फिर उसके बाद आप फ्रेश हो जाइए, अपने वर्कआउट पे निकल जाइए। तो दोस्तों, आपको ये वर्कआउट आपको कंटिन्यू 15 से 20 दिन एक महीने करना है, जिससे आपको हल्का फर्क महसूस होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा। जब ये वर्कआउट आप कंटिन्यू 3 महीने तक करेंगे तब आपको जाके फर्क महसूस होना स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लिया करना है अपने वर्कआउट के लिए, जिससे थोड़ी बॉडी में हीट हो जाए, थोड़ी बॉडी आपकी खुल जाए। जब आप सो के उठेंगे तो बॉडी थोड़ी टाइट रहती है, इसलिए आपको थोड़ी सी वर्कआउट कर लेना स्ट्रेचिंग के लिए। फिर उसके बाद आपको वर्कआउट पे अपना स्टार्ट कर देना। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो को देखते रहें। आपको हर एक वर्कआउट, आपको 4 से 5 मैं एक्सरसाइज बताऊंगा जिसको आपको डेली करना है। अगर ये आप एक्सरसाइज डेली करते हैं तो आपको महसूस होना ही होना है। अगर नहीं होता तो आप कमेंट करके बताइए। कंटिन्यू बस आपको ये वर्कआउट प्लान करना है और आपको डाइट का ध्यान देना है, फालतू चीज़ें नहीं खाना है। तो दोस्तों, मैं आपको एक्सरसाइज बता देता हूँ। पहली एक्सरसाइज जो करनी, थोड़ा आप पहले तो जंप कर लीजिए, जंप करिए। ये जब आप जंप कर लीजिए पंजे के बल जब आप जंप करते हैं यहाँ से यहाँ, तो आपकी बॉडी पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है। जब आपकी बॉडी स्ट्रेचिंग हो जाती है तब आप देख सकते हैं, देखिए आपकी बॉडी हीट होने लगी, आपकी बॉडी में थोड़ी पसीने सिकसिकाने लगें। ये देखिए, जब स्ट्रेचिंग कर लें, थोड़ी नॉर्मल जंप कर लें ऐसे, ये नॉर्मल आप स्ट्रेचिंग कर लीजिए जो आपसे वर्कआउट पे आता हो। फिर आपको एक्सरसाइज ये करनी। तो पहली एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, पहली एक्सरसाइज में आपको करना है, ये देखिए, ये दोनों पैर आप फैला लीजिए, टांगे फैला लीजिए, और ये वाली स्ट्रेचिंग करिए आप। ये वाली अगर स्ट्रेचिंग करते हैं, अगर ये कंटिन्यू आपको ये वाली स्ट्रेचिंग करनी है, ये स्ट्रेचिंग कर रहे हैं आपको, तो ये जो कोरों का होता है, ये कोरों की जो चर्बी होती है, ये कोरों की चर्बी आपकी कम होना स्टार्ट होगी। जब ये चर्बी कम होना स्टार्ट होगी तो आपको खुद में खुद ये मेन चर्बियाँ होती हैं, ये थोड़ा चर्बी होती है आपकी पेट में और पेट में थोड़ा ये चर्बियाँ होती हैं। तो ये आपको कम से कम 30 से 40 के 5 से 6 मिनट तक करना है ये वाली। फिर आप थोड़ा 30 सेकंड का रिलैक्स ले लीजिए। 30 सेकंड का रिलैक्स लेने के बाद फिर आपको दूसरी एक्सरसाइज जो करनी, दूसरी एक्सरसाइज में क्या है, बैठ जाइए यहाँ पे, बैठ जाइए हाँ, ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिए, पास आइए। ये वाली जब एक्सरसाइज करेंगे आप तो ये देखिए, ये आपको ये स्ट्रेचिंग करनी है, पेट पे टच करना है इसको। जब आप ये स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो ये आपके यहाँ कोरों में जो ये पेट की चर्बी होती है, ये चीज़ इसको भी आपको 5 से 10 मिनट तक, 3-3 सेट, 15-15, 20-20 के 3 सेट में करें, ये आपकी ये स्ट्रेचिंग होगी बस। तो आप ये वाली स्ट्रेचिंग करिए, खड़े हो जाइए। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिस। जब आप स्ट्रेचिंग करते हैं ये वाली, ये देखिए, ये आपकी जो ये गट्स होते हैं ये वाले, ये पेट की चर्बियाँ यहाँ पे होती, तो ये आपकी कम होना स्टार्ट कर दे। और ये नॉर्मल स्टार्ट ना होगी कि आप सोचिए 3 से 4 दिन करें, 15 दिन करें तो आपकी पेट की चर्बी कम स्टार्ट होना, ये आसानी से ऐसे नहीं होती। आपको कंटिन्यू और डाइट का ध्यान देना पड़ेगा, कंटिन्यू आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, तब जाके चर्बी कम। अब तीसरी एक्सरसाइज करिए, तीसरी एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, लेट जाइए, ये वाली आपको लेट जाना है ऐसे, और ये और पास आइए हाँ, ये देखिए, ये जब स्ट्रेचिंग करते हैं ये पैर अप डाउन करिए, अप डाउन, ये जब अप डाउन कर रहे हैं इससे आप ये जो कोर मेन ये होता है पेट की चर्बी, अगर ये आपका जब कम होना स्टार्ट होगा, यहाँ पे गैस ना बनेगी, आपके फैट ना रहेगा, तो पेट ऑटोमेटिक आपका कम होने लगेगा। और आज के जनरेशन में सबसे बड़ी समस्या होती है पेट की चर्बी की, ये वाली स्ट्रेचिंग, ये तीसरी एक्सरसाइज, चलिए खड़े हो जाइए। अब चौथी एक्सरसाइज नॉर्मल सी है, उसको आपको वर्कआउट पे शामिल कर लेना है, नॉर्मल एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को आप कर लेंगे, ज़्यादा तकलीफ की बात नहीं है, बस आप स्ट्रेचिंग करिए, वैसे बैठ जाइए, और ये पूरी बॉडी आपको ये अगर ये वाला वर्कआउट करते हैं आप, ये वाला वर्कआउट आप कंटिन्यू करते, इससे भी आपको यही कोर मेन समस्या सिर्फ इस पेट की चर्बी होती, इससे भी आपको 20-20-30-30 के जितना डाउन हो सके उतना डाउन हो जाएगी। ये तो आप ये देखिए, आपको हो सके तो उतना रुकना भी है, चलिए खड़े हो जाइए। ये वाली चौथी एक्सरसाइज, और एक नॉर्मल पांचवी एक्सरसाइज, जिसको आप
15-15 सेकंड के, 20-20 सेकंड के टाइमर लगा के करना है। जो ये वाली भी एक्सरसाइज आपको अपने वर्कआउट में शामिल करना है, ये वाली। आइए ये, और ये फ्रंट देखना, ये वाली एक्सरसाइज, और ये फ्रंट देखना, ये हिस्से में आपके पे ये हिस्सा आपका मजबूत होना स्टार्ट होगा। और ये हिस्से जब आपका मजबूत होना स्टार्ट होगा तो यहाँ जो रनिंग में भी तकलीफ हुआ करती है, रनिंग में तो यहाँ पे दर्द भी ना होगा और आपकी पेट की चर्बी भी आसानी से कम होगी। अगर आप ये होता है तो आपको कंटिन्यू 2-3 किलोमीटर रनिंग भी करनी है, चाहे आप वॉक के तौर पर करिए या फिर आप रनिंग करिए, ये वाली आपको रनिंग भी करनी है और ये वर्कआउट करना है। तो दोस्तों बढ़िया है, मेहनत करिए, वर्कआउट करिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आपकी मर्जी, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो मेहनत करिए और आपको फिट रहिए। जय हिंद, जय भारत।